Bismillahir Rahmanir Rahim. Alaikum, dear students of class five. Hope all of you are fine. I am Miss Arsha Manzoor. Today I am teaching you chapter number nine, economics. First of all, we just discuss first four main points in this lecture, which are money, money and its timeline, imports and exports, and country and their currency. rest of the main topics we discuss in second lecture मनी जर या पैसा पैसा क्या है पहले वो हम जानते हैं पैसे से मुराद वो सिक्के वो बैंक नोट है जो हाँ हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम वो अदा कर वो देते हैं और उसके बदले वो चीज़ लेते हैं यही वो इस लाइन में कह रहा है इज़ अ क्वाइन एंड बैंक नोट दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट यानी एक सिक्का या बैंक का नोट जो हम बदलते हैं किसी भी चीज़ के बदले यानी हम दुकानदार से वो चीज़ लेने के लिए उसको वो सिक्का या नोट देते हैं और उसके बदले में हमें को, वो कोई भी चीज़ देती है चीज़ देता है हु यूज मनी ऑन थिंग्स दैट कॉस्ट मनी एवरीटिंग और हम जो हैं हर कोई जो है वो पैसे अदा करता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए हर दिन कैन यू थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स डैट यू हैव यूज़ और डन टूडे विच हैव कॉस्ट मनी क्या आप सोच सकते हैं वो चीज़ें जो आपने आज के दिन की हैं जिसमें आपने रुपए का इस्तेमाल किया मिसाल के तौर तो पर बच्चों की अगर मिसाल ले ली जाए तो आपने बाज़ार से आइसक्रीम खानी है आपने बाज़ार से आइसक्रीम खाने के लिए क्या करेंगे आप पैसे लेंगे और दुकानदार के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि मुझे आइसक्रीम दो आपने आइसक्रीम के बदले जो उसे रकम या पैसे अदा किए वो क्या है जो चीज़ अदा की वो क्या है मनी है मेक अ लिस्ट एंड एड टू इट एज अ लेसन प्रोग्रेसर इज देयर एनी थिंग डैट यू कैन डू फॉर फ्री अब आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे जो आपने पैसों से पैसों का इस्तेमाल कर कर हासिल की हैं वो चीज़ आइसक्रीम भी हो सकती है वो चीज़ पेंसिल भी हो सकती है वो चीज़ बुक भी हो सकती है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर उन चीज़ों का नाम भी लिखेंगे जो आपने बग़ैर पैसों के रिदी है ऑलमोस्ट एवरी थिंग वी डू हम जो भी चीज़ें आजकल मौजूदा दौर में हासिल करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होते पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मौजूदा दौर में मॉडर्न जदीद दौर में पैसों की बहुत अहमियत है और पैसों की पैसों का इस्तेमाल और उसकी इजाद हज़ारों साल पहले हुई है और जो जैसे जैसे वक्त तब्दील होता गया पैसों की इकसाम पैसों की किस्में पैसों मुख्त किस्म के रुपये पैसे जो पुराने वक्तों के लोग इस्तेमाल करते रहे उनमें तब्दीली आती रही अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ पुराने लोग कैसा पैसे रुपए पैसे इस्तेमाल करते थे जब रुपए पैसे नहीं होते थे तो क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी और फिर अब मौजूदा दौर में रुपए पैसों की जगह जो क्रेडिट कार्ड और जो एटीएम कार्ड्स वग़ैरह हैं उनका इस्तेमाल कैसे होगा थर्ड स्लाइड टाइम ऑफ मनी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे कैसे पैसों के इस्तेमाल में जो तब्दीलियाँ आई तरीक़ में उसके क्या असरात हुए सबसे पहले जो हमारी स्लाइड में पहला टेबल में जो है वो है नाइन थाउजेंड डी सी ई डी सी ई बिफोर कॉमन एरा यानी हज़रत ईसा सलाम की पैदाइश से पहले जो है वो लोग क्या करते हैं अर्ली मैन बाटर एक्सचेंजिंग एंड एक्स्ट्रा गुड्स सच एज कैटल एंड ग्रेन्स बाटिंग वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इजिप्ट बाटर सिस्टम क्या है पहले हम वो देखें बाटर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आप अशिया के बदले अशा का तबादला करते हैं पैसों के इस्तेमाल के बगैर मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है वो कपड़ा है और कि मुझे जो है गंदम की ज़रूरत है अब कपड़ा जो है वो मेरी जरूरत से ज़्यादा है और मुझे गंदम चाहिए अब जिसके पास गंदम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होगी मैं उससे तबादला कर लूँगी ठीक है बाटर सिस्टम जो है सबसे पहले जो है वो मिसर में उसका इजरा हुआ था दूसरा जो है हमारी है टाइमलाइन में वो 1200 हंड्रेड बी सी है इन अर्ली इन एरियाज़ बाय द कॉस्ट अराउंड इंडिया इंडियन ओशन पीपल आर यूज़ कोरी शेल्स इन ट्रेड कहा जाता है कि इंडिया के साहिल के पास के इलाकों में लोग जो है वो कोरी या सपियाँ जो इस्तेमाल करते थे ज़र मुबा यानी चीज़ों के बदले में यानी अगर मैं उस दौर की और इंसान हूँ तो मैं क्या करती थी मुझे जो है वो मुझे गाय का गोश्त चाहिए तो मैं गाय का गोश्त जिसके पास होगा उसको उसके बदले में जो है सप्पियाँ या कोरियाँ दे देती थी और वो मुझे उसके बदले में गाय का गोश्त देता था तीसरा जो हमारी टेबल में है वो अलेवन हंड्रेड बी सी ई है पीपल जो बी सी ई में चाइना में लोगों ने पीपल इन चाइना स्टार्ट यूजिंग स्मॉल ब्रॉन्स पीसीज इन द शेप ऑफ गुड्स दिस डिवेल्प इन टू राउंड क्वेंस अब क्या सबसे पहले जो है धातु का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था चाइना में चाइना में लोगों ने क्या किया छोटे छोटे कांसी और तांबे के टुकड़े जो है उनको चीज़ों के बदले देना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए आटा तो या फिर मुझे चाहिए कपड़ा तो मेरे पास कांसी के टुकड़े है तो मैं कांसी का टुकड़ा उसको दे दूँगी जिसके पास कपड़ा होगा एट जीरो सिक्स बी सी ई में चाइनाज एम्प्रॉय हिन सिंह इशू द फर्स्ट नॉन पेपर बैंक नोट आठ सौ छबल मसीह में चाइना के शहनशाह हिन सिंह ने सबसे पहले कागजी नोट का इजरा किया था सिक्स हंड्रेड बी सी ई में द किंग ऑफ वट इज़ नाउ टर्की हैज ऑफिशियली करेंसी मिंटेड दिस स्प्रेड अक्रॉस द मेडिटेरियन वर्ल्ड सबसे पहले जो धातों के सिक्के जो है पिघला कर बनाए गए थे वो तुर्की में बनाए गए थे और वो पूरे मेडिटेरियन वर्ल्ड में फैले थे 1215 CE C.E. से मुराद कॉमन इरा या फिर आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा स्ल्लाम यानी हज़रत हज़रतम की बात का जो दौर है बी सी के है उनकी पैदाश से पहले का दौर है और सी uh, ई के है, उनकी पैदाश के बाद उनमें इन फ्लोर नाउ पार्ट ऑफ इटली अ गोल्ड क्वाइन कॉल्ड द फ्लोरा फ्लोरिन इज मड दिस बिकम्स वाइडली यूज अक्रॉस यूरोप द डवेलमेंट ऑफ इंटरनेशनल काम्रेस अब इन फ्लोरेंस जो इटली का हिस्सा उसमें सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए गए जिन्हें फ्लोरा फ्लोरिन कहा गया और ये पूरे यूरोप में फैले, और इस तरह इंटरनेशनल कॉमर्स का आगाज हुआ यूरोप में 1290 नाइन्टी सी ई बारह सौ नब्बे में पोलो, जो एक सिया था उसने इंट्रोड्यूस किया इंट्रोड्यूस पेपर मनी टू यूरोप फ्रॉम चाइना आपको मैंने पहले बताया है कि चाइना में एट जीरो सिक्स में सबसे पहले कागज़ी नोट का इजरा हुआ था जब मार्को पोलो चाइना के सफर से वापस आया तो उसने यूरोप में जो है कागज़ी नोट मुतारफ़ 1661 द फ़र्स्ट यूरोपियन बैंक नोट्स आर प्रिंटेड इन स्विट्जरलैंड सबसे पहला जो बैंक नोट या कागजी नोट यूरोप में जारी हुआ वो सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में हुआ था 1860 1860 सिक्सटी सी में बिजनस मैनों ने ट्रांसफर मनी को टेलीग्राम के जरिए जो है पैसों को ट्रांसफ़र करना का आगाज किया नाइनटीन फिफ्टी द्रेड फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इज़ इशू उन्नीस में पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है नाइनटीन सिक्सटी सेवन द वर्ल्ड फर्स्ट ए टी एम इज ओपन इन इंग्लैंड सबसे पहले ए मशीन जो है 1967 में इंग्लैंड में ओपन हुई थी यूरोपियन बैंक बिगेन ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग यूरोप के बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग जो आजकल हम जिसका इस्तेमाल करते हैं नाइनटीन नाइन में उसका आगाज किया था 2008 थाउजेंड कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट कार्ड्स आर इश्यूज फॉर द फ़र्स्ट टाइम जो हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं यानी हमारे पास डेबिट कार्ड होता है और उसके बिहाफ पे हम बहुत ज़्यादा जो है शॉपिंग कर सकते हैं अपने अपने वो सबसे पहले जब जारी हुआ था वो सबसे पहले 2008 में जो है वो जारी हुआ था उसके बाद 2000 2009 दो सी में बाय बाय कॉइंस जारी हुए थे दे बाय कॉइंस द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो दुनिया की सबसे पहली जो है क्रिप्टो करेंसी है वो लॉन्च हुई थी 2009 में और पहली चीज़ जो बाय क्वाइन से जो खरीदी गई थी वो थी पिज़्ज़ा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू अर्न मनी अ कंट्री हैज़ टू मेक एंड सेल लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर अर्न बाय एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स टू अदर कंट्रीज किसी मुल्क को पैसे हासिल करने के लिए चीज़ें बनाना और बेचना ज़रूरी है हम पाकिस्तान जो है वो पैसे हासिल करता है अपनी चीज़ों की फरोख्त कर, कर दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान जो चीज़ें बाहर बेचता है उसको एक्सपोर्ट्स बोलते हैं या बरामदा गुड्स विच आर नॉट मेड और फाउंड हेयर हैव टू बी इम्पोर्ट फ्राम अदर कंट्रीज़ विच कॉस्ट मोर इन दिस वे कंट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर अब वो चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बनती और नहीं मिलती वो हमें दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ती है जिसे इम्पोर्ट्स बोला जाता है या दरामदाद यानी जो पाकिस्तान चीज़ें बनाता है और दूसरे मुल्कों को बेचता है वो एक्सपोर्ट्स या बरामदाद हैं और जो दूसरे मुल्कों से खरीदता है वो इम्पोर्ट्स या दरामदाद हैं अब दरामदाद पर ज़्यादा लागत आती है ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं इस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इहसार करता है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैव टू तो बी बैलेंस जो दरामदाद और बरामदाद हैं वो बराबर होनी चाहिए यानि आप जो है जितनी चीज़ें बाहर बेचते हैं बेचते हैं उतनी ही चीज़ें आप बाहर के मुल्कों से खरीदें वी कैन नॉट अफोर्ड टू इम्पोर्ट थिंग्स इफ़ वी डू नॉट अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग अदर गुड्स यानी हम लोग जो है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवाएं और अपनी जो चीज़ें बेचते हैं बाहर के मुल्कों को वो कम करें इससे क्या होगा हमारी आमदनी कम होगी और हमारा खर्च ज़्यादा होगा एट द मोमेंट वी इम्पोर्ट मोर थिंग्स वी एक्सपोर्ट एज यू लर्न इन प्रीवियस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स वी एक्सपोर्ट्स आर वो कहते हैं अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स या दरामदा ज़्यादा हैं जो बाहर से चीज़ें मंगवाता है इसके बरक्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स या बरामदाद कम है अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्या हैं वो हम देखते हैं कॉटन राइस लेदर लेदर गुड्स कारपेट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बाहर बेचता है सम ऑफ द थिंग्स वी इम्पोर्ट्स आर रॉ मटेरियल फॉर सम ऑफ़ आवर इंडस्ट्री अब जो बाहर से मंगवाते हैं वो हा माल है जो हमारी संतों कारहानों के लिए चाहिए ऑयल ऑयल में क्या है गा? पेट्रोल जो हमें चाहिए प्रोवाइड पावर मशीन इलेक्ट्रिकल गुड्स टी चाय खास तौर पर एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल ड्रग्स एंड मेडिसन अद्वियात अब पाकिस्तान जो है वि ट्रेड विद मैनी कंट्रीज ऑफ द दाकिस्तान तजारत करता है वस्ती एशिया के ममालिक मुसलमान एंड वेस्टर्न यूरोप एंड विध चाइना जापान एंड यू एस ए अब ट्रेड क्या है पहले वो समझते हैं ट्रेड से मुराद किसी एक चीज या एक शख्स से चीज को खरीदना और बेचना अब जब ट्रेड का वर्ड आता है तजारत का तो वो इंसानों के मुबाइन भी हो सकती है और वो मुल्कों के मोबाइल जैसे पाकिस्तान जो है वो कपड़ा बनाता है तो कपड़ा पाकिस्तान सऊदी अरब को बेचता है और सऊदी अरब से क्या है पेट्रोल ख़रीदता है तो ये क्या करता है पाकिस्तान और सऊदी अरब के मोबाइल क्या होती है तजारत या ट्रेड होती है अब पाकिस्तान जो है वो ट्रेड करता है विद चाइना जापान और यूएसए। ट्रेड इज़ अ की एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस तजारत क्या है एक दूसरे एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इनार को ज़ाहिर करता है अब मिसाल के तौर पर वो कहता है कि दुनिया का बहुत बड़े रकबा जो है ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया जो है पेट्रोल के लिए इनार करती है मिडल ईस्ट पर यह वस्ती एशिया या मुस्लिम ममालिक पर दिस देयर इज़ अ चार्ट इन योर बुक ऑन पेज नंबर सेवेंटी नाइन दिस चार्ट शोज़ दैट कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने जो दो हज़ार अट्ठारह में की हैं वो क्या है पाकिस्तान ने सिक्सटी पॉइंट थर्टी बिलियन वर्थ की गुड्स जो हैं वो दो बाहर से इम्पोर्ट की हैं टू थाउजेंड एटीन में और एक्सपोर्ट्स कितने किए ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन बिलियन इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स दुनिया के मुख्तु कॉन्टीनेंट्स के साथ हैं उसको जाहिर करने के लिए आपकी बुक पे पेज नंबर एटी पे एक पाया चार्ट है उससे आपको फ़र्दर उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी लास्ट स्लाइड हमारी क्या कंट्रीज़ एंड देयर करेंसीज यानी ममालिक और उनकी करेंसी एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन करेंसी अब दुनिया के जितने भी ममालिक अपनी करेंसी है जैसे पाकिस्तान की मिसाल लीजिए तो पाकिस्तान की करेंसी क्या है रुपीज़ इफ़ पाकिस्तान इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्राम कंट्री द पेमेंट फर्स्ट मेड इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री अब क्या होता है कि पाकिस्तानी अगर किसी मुल्क से चीज़ खरीदनी है तो क्या करेगा पाकिस्तान ने जो चीज़ खरीदनी है उसकी उसको पैसे अदा करेगा ना उस मुल्क को तो उस मुल्क को पैसे वो क्या अदा करेगा उस मुल्क की करेंसी में मिसाल के तौर तो पर पाकिस्तान सऊदी अरब से चीज़ खरीदनी है तो क्या करेगा पाकिस्तान उसको सऊदी रियाल में तेल की कीमत अदा करेगा इसके अलावा हा एवर सम करेंसी लाइक दैट लाइक द यू एस डॉलर आर एक्सेप्टेड बाई ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अब क्या होगा या तो पाकिस्तान सऊदी अरब से जब तेल की कीमत अदा करेगा तो या तो सऊदी दयाल में करेगा या फिर यूनाइट स्टेट के डॉलर जो करेंसी है वो दुनिया में कबूल की जाती है बहुत से लोग उसको कबूल करते हैं तो और या तो डॉलर में उसकी कीमत अदा करेगा आप द यू एस डॉलर हैज़ बिकम अ कॉमनली यूज करेंसी और मीडियम फॉर एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग इन मैनी कंट्रीज अब बहुत से मुल्कों में क्या होता है बहुत से मुल्क जो है अपनी करंसी की बजाय डॉलर में ट्रेड करते हैं यानी यू एस डॉलर जो है आपने कोई चीज़ उस मुल्क से खरीदी है तो वो आपको क्या कहते हैं कि आप जो है अपनी करंसी को डॉलर में कन्वर्ट करें और फिर आप डॉलर में हमें पैसे अदा कर दें इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो जो है वो अपनी ही करेंसी में जो है वो की चीज़ों की हृदो फरोख्त करती हैं अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें मोस्टली दुनिया की कंट्रीज़ और उनकी करेंसीज है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका है उसकी करेंसी क्या है डॉलर और आपको पहले ही मैंने बता चुकी हूँ कि डॉलर क्या है कॉमन यूज़ करेंसी है यानी बहुत से दुनिया के ममालिक अपनी तजारत जो है उसके खरीदो फरोख्त जो है चीज़ों की खरीदो फरोख्त वो डॉलर में उसकी अदायगी करते हैं फिर यूनाइटेड किंगडम की पाउंड है सऊदी अरब का रियाल है ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ईरान का रियाल है चाइना का यौन है टर्की का लीरा है और यूरोपीय यूनियन यूरोपी यूनियन मेंबर्स का मतलब है यूरोप के उन्नीस मुल्कों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको यूरोपी यूनियन कहा जाता है और उन यूरोपी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक करेंसी जारी की हुई है जिसका नाम यूरो है यानी 19 मुल्कों की यूरोप में एक ही करेंसी है जिसको यूरो कहा जाता है इसके अलावा पाकिस्तान है पाकिस्तान की करेंसी क्या है रुपीज़ यानी ये आपको मैंने लिस्ट में बहुत से जो है ममालिक हैं उनका नाम और उनमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी बताई हैं अब बहुत से जो हैं जो चीज़ों का खरीदो फरोख्त है दूसरे ममालिक से वो या तो अपनी करेंसी में करते हैं या फिर जो कॉमन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर या उसमें खरीदो फरोख्त की अदायगी करते हैं